पटना में 21 अक्टूबर को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। जयंती का नेतृत्व खुद कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कर रहे हैं और कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने का अनुमान भी है। रिपोर्ट देखिए। इक्कीस अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की जयंती की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस की तरफ से की जा रही इस तैयारी की बागडोर पार्टी के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के हाथों में सौंपी गई है, जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बाबू, विश्वन शर्मा जी, सभी MLA प्रेमचंद मिश्रा जी, अजेश बाबू, सभी विधायक साथी और पूर्व विधायक साथी, कांग्रेस के सभी नेतागण हम लोग मिलाकर कर रहे हैं। अखिलेश सिंह कृष्ण बाबू की जयंती को लेकर पटना में पत्रकारों से रूबरू हुए और कृष्ण बाबू के व्यक्तित्व की दिल से याद दिलाई। श्री बाबू का योगदान न केवल बिहार के नवनिर्माण में अमृत काल में उनके हुआ, बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी अगली पंक्तियों में वो रहे हैं और उनके जैसे सफल राजनीतिज्ञ को, सफल मुख्यमंत्री को और बिहार के नवनिर्माण में जो उनका योगदान है उसको देखते हुए उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। इस बहाने से बिहार की जनता अपने पहले मुख्यमंत्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाकर उन्हें याद करेगी। R9 TV के लिए पटना से SK राजीव की रिपोर्ट।